गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद ऑटो ड्राइवर को पुलिस की हिरासत में रात्रि के समय लिया गया, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर को पुलिस के मुताबिक लिखा पढ़ी करके 12:30 बजे करीब छोड़ दिया गया, जिसके बाद उस ऑटो चालक के सीने में दर्द के कारण मौत हो गई। ऑटो संचालकों ने काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर शांति गोपाल हॉस्पिटल पर हंगामा कर रहे हैं। ऑटो चालक के मित्र का कहना है कि पुलिस ने हमें बताया कि मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी, जिसमें मोटरसाइकिल वाले को चोट आई थी, जिसके बाद उपचार के लिए 3,000 रुपये ऑटो चालक से लिए गए और उसकी खूब पिटाई की गई, जिसके बाद हालत ज़्यादा गंभीर होने के बाद उसको छोड़ दिया गया, जिसके बाद से ही उसके सीने में दर्द शुरू हो गया, जिसके कारण ऑटो चालक की मौत हो गई। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। मुरारी जी, क्या विवाद था ऑटो वाले और साइकिल वाले के बीच में, क्या विवाद था? इनका सर एक्सीडेंट हो गया था और दरोगा जी ने फोन करा, मैं आया यहाँ पर, दरोगा जी भी मौजूद थे, 5-6 सिपाही थे यहाँ पर आए थे। मैंने बोला था उनसे इनकी इसके ट्रीटमेंट के पैसे हम दे दे रहे और हमारे भाई को छोड़ दो। उन्होंने हमारे भाई को नहीं छोड़ा, चौकी ले गए। उसके बाद 1 बजे के करीब फ़ोन करा इससे ले जाओ, फिर हम 1 बजे आए, उन्होंने 3510 रुपये जमा करवा लिए, उसके बाद छोड़ा। उसे मैंने पूछा था, उसके काफ़ी पीर हो रही थी सीने में, उसकी मारपीट करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने बताया कि हमें मारा बहुत है। हाँ, उनसे पूछा था तो उसने बताया था कि मारपीट की है, उसके चोट लग रही थी सीने में, दर्द हो रहा था, वो रात को एक्सपायर हो गया। 3510 रुपये और हाँ, और साइन भी करवा लिए और ऑटो चौकी पे ही खड़ा है अभी, पुलिस वालों ने मारा भी तो बहुत।